नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे कुछ गोम्फेरेना के प्लांट्स हैं। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पर कुछ काम करने के लिए टेरेस पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे दो प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये है ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कानी। यहाँ पर देखिए इसकी कली देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और यहाँ पर ये एक प्लांट है, तो ये मदर प्लांट है और इसका ये बेबी प्लांट है। इससे मैंने और भी बहुत सारे प्लांट्स को बना लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये पिछले साल ही मैंने इसको तैयार किया था, पिछले साल लगाई थी। तो ये देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए दो प्लांट्स हैं यहाँ पर, और भी कुछ प्लांट्स थे मैंने जिसको किसी को दे दिए हैं। और दोस्तों आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कानी जो प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत एक जैस्मिन वैरायटी का प्लांट ही होता है। बस इसका जो कली होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और इसके फूल भी उसी तरह बहुत बड़ी फूल होते हैं, बहुत सारे पेटल्स उनमें होते हैं। तो दोस्तों इसका जो केयर है, जैसे कि हर मोगरे प्लांट की केयर होती है उसी तरह की इसकी भी केयरिंग है। तो ज़्यादा कोई अलग सी इसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेम प्लांट ही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये प्लांट की थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये फूल खिल चुके हैं। तो खिलने के बाद थोड़े नीचे नीचे से आप हाइट को एडजस्ट करते हुए इसकी कटिंग कर दें। और ये जो कटिंग अभी निकल रहे हैं ये कटिंग को भी आप अभी भी लगा सकते हैं, और ये आसानी से चल भी जाते हैं। और जहाँ से भी प्रूनिंग आप करते हैं ना, ये देखिए यहाँ से एक फूल खिला था, तो इसके बाद ये नीचे से एक फूल आ गया है। तो ये देखिए ये वाला टहनी थोड़ा सा ज़्यादा निकल रहा है, तो इसको मैं अभी थोड़ी सी प्रूनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नई नई शूट्स निकल रहे हैं। आप जितनी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इनमें न्यू शूट्स निकलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू न्यू ब्रांचेस आएंगे और हेल्दी ग्रोथ होगी, तो हेल्दी फूल भी खिलेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फूल में ये जो लीव्स हैं इनमें थोड़े से मुझे डिजीज लग रहे हैं, तो इसको मैं बिल्कुल निकाल ही देती हूँ अपने गार्डन से, इसको बिल्कुल बाहर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों जो जो एक्स्ट्रा टहनियाँ हैं उनको हटाना है, जो अनवांटेड लग रहे हैं उसको हमें हटा देना है, ताकि ये देखिए सूखे हुए कुछ टहनी है उसको भी हटाना है इस तरह से। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये चल गई है, और यहाँ पर एक कटिंग लगाई थी ये भी चल गई है, और इनमें एक एक फ्लावर भी खिल चुके हैं। खिलने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से कट कर दिए थे, तो यहाँ पर देखिए न्यू शूट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये दो प्लांट ही अभी बन गए हैं। तो ये जो पॉट थे इसको मैंने गुड़ाई करके बहुत दिन हो गए, मतलब 5-6 दिन हो गए मैंने इसको इस तरह से मिट्टी को निकाल लिया था, ऊपर का मिट्टी को निकाल लिया था कुछ फर्टिलाइजर देने के लिए, और मैं दे नहीं पाई थी। तो आज सोचा चलो आज ही दे देते हैं, थोड़ा सा वेदर भी आज थोड़ा सा अच्छा ही है, थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी हमारे यहाँ एकदम थोड़े से ही। और ये देखिए थोड़े थोड़े और भी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, और इसको मैं दूंगी आज थोड़ी सी फर्टिलाइज़र। दोस्तों ये जो प्लांट है इसको डोरमेंसी के बाद मैंने खाद नहीं दिया है, तो डोरमेंसी के बाद ये पहला खाद है इसके लिए। तो अभी ठोस खाद तो देना नहीं चाहिए, मतलब एक बार देना तो चाहिए, डोरमेंसी से आने के बाद इसको एक बार तो खाद देनी ही चाहिए। ठोस खाद जो होती है ना, सॉलिड खाद, उसको आप ज़रूर दीजिए, ताकि इसकी जो मिट्टी के अंदर पानी देते वक्त ये थोड़े थोड़े करके ये डिज़ल्व होता जाए और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलती रहे। तो इसलिए शायद इसके फूल अभी इतने बड़े नहीं हो रहे हैं जितने बड़े होने चाहिए। तो आज मैं इनमें थोड़ी सी खाद की अप्लाई करूँगी और थोड़ी सी इसके ऊपर और मिट्टी डाल दूँगी जो मैंने निकाल कर रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों ये जो इतने रूट्स हैं थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, तो इनको थोड़े थोड़े मुझे
हटा देनी है। ये देखिए थोड़े थोड़े कट कर देने चाहिए, क्योंकि हम अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट की गुड़ाई हो गई है, और ये देखिए इस तरह से दोस्तों। इनमें मैं पहली खाद तो ये है बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये ठंडी खाद होती है। गर्मी के मौसम में आप बर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, गोबर की खाद का इस्तेमाल करना ना कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो इसकी कंपोस्ट टी जो बनती है उसको बनाइए, टी कंपोस्ट बनाकर आप दे सकते हैं। ये देखिए इसमें भी दो मुट्ठी दे देंगे। ये थोड़े से छोटे वाले पॉट में है, मतलब ये 10 इंच का पॉट है, और ये वाला जो पॉट है ये 12 इंच का पॉट है। तो मोगरे के प्लांट के लिए एक आइडियल पॉट 12 इंच का गमला ही होता है, और मिट्टी के गमले में ही मैंने लगा रखा है। आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं, जिस तरह जैसे कि आप प्लास्टिक के गमले में इसको आप आराम से लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पुराना प्लांट है, तो इसकी जो स्टेम है आप देख सकते हैं कितना मोटा सा इसका स्टेम बना हुआ है, ट्रंक बना हुआ है। और अगर चाहें तो इसका भी आप बोनसाई बना सकते हैं। मुझे लगता है ये नीचे नीचे से जो टहनियाँ हैं इसको हटा देंगे, तो ऊपर ऊपर की ग्रोथ अगर रखेंगे तो भी ये इसका भी एक बोनसाई लुक बन सकता है। तो और इसको मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ये वाला फ्लावर खिल जाने के बाद मैं ये वाला जो स्टेम है इसको हटा दूँगी, और कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा सा बूसी लुक लेकर रहे। और अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम है, तो इसके लिए मैं थोड़े थोड़े करके अभी इनमें ह्यूमिक एसिड दे दूँगी। ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही बेहतरीन खाद होता है प्लांट के लिए। इस तरह से देखिए मेरे ग्रैन्यूल फॉर्म्स में है, यहाँ पर एक चम्मच के करीब दो दो प्लांटर में मैंने दे दिए हैं। तो ये मिट्टी को हल्का करेगा, और फिर इनमें फ्लावरिंग भी करने में मदद करेगा। और थोड़ी थोड़ी मैं दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए एप्सम सॉल्ट, ये देखिए, क्योंकि मिट्टी को एसिडिक सॉयल पसंद, ये प्लांट को एसिडिक सॉयल पसंद होता है, तो इसलिए ये वाला अगर खाद हम देते हैं तो एप्सम सॉल्ट देने से मिट्टी एसिडिक बनकर रहता है, और ये प्लांट के लिए बहुत ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ी थोड़े मैं दे रही हूँ इनमें पोटास। ये देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एकदम हल्के हल्के, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो प्लांट जलने का खतरा भी रहता है, तो इसलिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में मैं रेड पोटास डाल रही हूँ। अगर आपके पास 0050 है, एनपीके का 0050 है, तो वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास 5234 है, तो 0534 है तो एनपीके का, तो वो भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। तो दोस्तों अभी मैं इनमें और एक खाद देने वाली हूँ, वो है बोन मील। बोन मील ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो बोन मील आप ज़रूर दें अपने प्लांट में। ये देखिए थोड़े थोड़े भी देना है, ये देखिए बस इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, और थोड़े थोड़े करके नीम खली दे देनी है। ये एक एक चम्मच करके नीम खली दोनों प्लांट्स में दे देनी है। तो ये प्लांट के लिए एकदम बहुत अच्छा खाद हमने दे दिया है, ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करेगा और फ्लावरिंग करने में मदद करेगा। ये देखिए, और दोस्तों ये जो प्लांट है ग्रैंड ड्यूक टस्कनी, इसको आप पूरे धूप में रखिए, क्योंकि इसको धूप बहुत पसंद होता है, सन लविंग प्लांट्स होता है। तो इसको दोस्तों अरेबियन जैस्मिन भी बोलते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा धूप की पसंद होती है, तो ज़रूरत होती है, तो आप इसको दिन की 6 से 8 घंटे की धूप में आप इसको रखिए, और पानी भी इसको दिन में 2 बार देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दिन में 2 बार आपको पानी देनी है। और मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल सूख जाएगी मिट्टी तो प्लांट को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है,
तो आप इसको उतने पानी बराबर दें और धूप में रखें, और हर 15 दिन में एक बार इनमें मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की अप्लाई करेंगे, तो एकदम पतला सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अगर आप देते हैं, या फिर आप ओनियन पील का फर्टिलाइज़र या फिर बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो बदल बदल कर, तो ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट करेगा और आपकी प्लांट को बहुत हेल्दी बनाएगा और फूल से भर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो स्टेम है यहाँ पर ग्रोथ ही और नहीं है, तो इसको यहाँ से कट कर देना है, ये देखिए, नहीं तो फिर नीचे से कट कर देंगे तो न्यू ब्रांच निकलेगी, तभी इनमें फ्लावरिंग होगी। तो ये पुराने ब्रांच में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है, न्यू ब्रांच इसको चाहिए, तो इसलिए इसको प्रूनिंग करना जरूरी होता है। और इसके ऊपर अभी मैं थोड़े से मिट्टी अभी डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से कवर कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश के मौसम लग रहा है, बारिश का आसार लग रहा है कि हो जाए तो फिर ये खाद फिर बह जाएंगे। तो इस तरह से मैं ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी कवर कर रही हूँ। ये देखिए, ये वाले पॉट में भी थोड़े से दे देंगे, ये देखिए। ये देखिए, अच्छे तरह से दे देंगे। और इनमें मिलीबग लग सकती है, या फिर छोटे छोटे जो वाइट वाले डिजीज हुए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसको इस तरह की बीमारी लग सकती है। ये क्या है पता नहीं, कुछ पाउडर डस्ट की तरह ही लग रहे हैं, पाउडर मिली की तरह लग रहे हैं, तो इसलिए आप हफ्ते में एक बार इमिडा क्लोरोपीड की स्प्रे आप कर सकते हैं, ताकि ये प्लांट स्वस्थ रहे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अभी इसमें अच्छी तरह से पानी दे रही हूँ, और अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, फोलियो स्प्रे आप कर सकते हैं, और याद रहे जब भी करें तो वो शाम के वक्त ही करें। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कानी को आप कैसे इसकी केयर कर सकते हैं, कैसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, किस तरह की सनलाइट के जगह पर आप प्लेस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मैंने आज दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।